पता है जो नेता लोग आते हैं वादे करते हैं, कोई अट्रैक्ट करता है आपको कोई? अट्रैक्ट करते हैं और कार्य भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है जी। पर जो अपने मन से मतलब बात जिसने अपने लगाई हो, डेफिनेटली 5 साल बड़ा अर्सा होता है सर। ठीक है ना जी, जो हमारी बेसिक एमिनिटीज हैं, मतलब छोटा सा सेगमेंट होता है, ठीक है, तो उनको पूरा करने के वो कोशिश ही करते हैं। बाकी जिसने करनी नहीं है वो जुदी बात है कि ठीक है पब्लिक से वो कर लिया और उसके बाद मतलब साइड ट्रैक हो गए, तो ऐसा नहीं है, सभी के मन में ऐसी बात नहीं होती जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा महेंद्र ठाकुर नाम है, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। अच्छा, एक्स सर्विसमैन। आप किस तरह से देखते हैं शहर के चुनाव? शहर के चुनाव को ये लोकल चुनाव है जी। इसमें जो आदमी सोशल होगा अपने एरिया में, जो लोगों की मदद करता है उसकी ज्यादा पैठ है। बाकी तो लोगों का जो अपना ये गार्बेज का है थोड़ा, अभी जैसे सरकार बैठी उन्होंने आते रेट बढ़ा दिए गार्बेज के, और पानी के आपके रेट बढ़ गए, बिजली का सब गुल हो गया काम। जो थे 300 यूनिट फ्री देंगे, 125 यूनिट जो पहले फ्री था वो भी बंद हो गया। मतलब ये अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं चले जाते हैं। ये तो लोकल इलेक्शन है, इसमें कुछ नहीं, इसमें तो कैंडिडेट देखा जाता है कि कौन सोशल है, कौन किसके जीने मरने पे आता है, कौन किसको मतलब हेल्प करता है, मेन मुद्दा वो है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बाकी पॉलिटिकल लीडर तो घूमते हैं, उनका काम क्या है, वो 5 साल में एक बार ही आपके पास आकर उसका उनका पता लगता है कहां जाते हैं वो। सर कितना समय हो गया आपको यहाँ ये नगर निगम के चुनाव देखते हुए? जिस तरह से इस बार बड़े नेता प्रचार में आए, हमने तो पहली बार। एक्चुअली ये समरील वार्ड जो है ये वामपंथी को गढ़ रहा है, तो इसके पीछे तो पूरी सरकारें लग जाती है, चाहे विपक्ष वाले हैं चाहे वो सिटिंग है, जो भी सरकार हो। स्पेसिफिक इस वार्ड की बात नहीं, पूरे शिमला की बात कर रहा हूँ। पूरे शिमला का तो मुझे इतना सिनेरियो पता नहीं है, बट यहाँ का मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का स्थायी मूल निवासी हूँ।